कुछ भी हो जाए कल तो ये खत में रूपा को जरूर, और जब वो ये पढ़ेगी, रूपा मेरी जिंदगी, तुमसे दूर रहकर हमेशा यही सोचता रहा, आज रूपा मिलेगी तो दिल खोल के सामने रख दूंगा, साफ साफ कह दूंगा, रूपा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता ही नहीं मोहब्बत हो गई है, लेकिन जब भी कहना चाहा, कभी चंदा सामने आ गई, कभी छबीली, कभी स्टेशन मास्टर, कभी अशोक भैया, और कभी वो तेरी नैन कटीली, और जब कोई ना हुआ तो तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया। तुम हो कि नैनों से ही प्रेम पत्र भेजते रहते हो। लो आज मैं तुम्हें रूपा बनाती हूँ और खुद रवि, बापू बन जाती हो। बस आज तो आते ही झट कलाई थाम लूंगा और कहूंगा, अरे ए रूपा, आज तो तू बिल्कुल जवान हो गई है, अब तो तेरा ब्याह हो जाना चाहिए। इसे सुनते ही तू शर्मा जाएगी और झट मुझसे लिपट जाएगी। अरे ए रूपा, किससे गले लिपट रही है? तुमसे बाबू, तुमसे। क्या भक्ति है? भक्ति नहीं, मैं तो कह रही थी कि गाड़ी आई क्यों नहीं। अरे आती होगी। अरे गाड़ी तो आ ही जाएगी, मगर तू अभी से यहाँ क्यों बैठी है? अरे हाँ, वो इंजन बाबू है ना, इंजन बाबू सबको देता है पानी और मुझे छिड़की, कहता है तू तो देर से आती है, देर से आती है, इसलिए आगे पहले आ गई। अरे हाँ, सलाम करो। अरे दैया, राम राम बाबू, पानी पानी। और कितनी सुंदर, अब तेरे हाथ पीले कर देने चाहिए। बुरा मानने के नहीं, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा। देखिए कल की बात कल के साथ गई है, तो फिर आज एक बात का जवाब देते जाइए। कहिए। आपको बचपन के दिन तो याद होंगे। क्यों नहीं? फिर तो आपको बचपन के साथी राजेश भी याद होगा। जी जी हाँ, वही राजेश ठाकुर बिक्रम सिंह का लड़का, जिसके साथ आप खेला करते थे, याद आया? जी नहीं। तो मुझे गौर से देखिए, आपको अब भी मेरी आंखों में वही बचपन की रूपा नजर आएगी। मैं वही राजेश हूँ जिसकी हवेली के बाग में आप घंटों खेला करती थी, आपको रूप जाने की याद थी और मैं मनाया करता था। अब तो याद आया होगा। जी नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। आपका हमारे घर में बहुत दोस्ती थी, हमारा घराना जागीरदारों का घराना था। आपका होगा।
तेरे हुस्न की कोई खता न थी, मैं हुस्ने इत्तफाक से दीवाना हो गया। तो किया। अबे वो चले गए बच्चे, कहाँ जा रहा? उस्ताद आप अजब आदमी है, कभी भी मैं कोई शुभ काम के लिए जाता हूँ तो आप बीच में टोक देते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जा रहा हूँ। जाइए भाग। अब एक बात बताओ, भाड़ क्या होता है? फिर वही बात। अरे उस्ताद भाड़ का मतलब नहीं मालूम? भाड़ का मतलब ये है, भाड़ का मतलब ये नहीं, बहार, मल्हार, कंधार, अनार, सितार, सितार, सितार। आगे बोलना, सितार, 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 सितार। अरे सोकर सोकर सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी सुनो तो सही। अरे ठोकर, अरे ठोकर सुनो। अरे भगवान, हम्म।